नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। जम्मू के नौशेरा में पिछले दो दिनों से पाकिस्तान की तरफ से हो रही गोलाबारी में अब तक दो जवान शहीद हो गए हैं। पाकिस्तानी गोलाबारी का भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। शहीद हुए दो भारतीय जवानों में से एक पंजाब के मोगा के रहने वाले जसप्रीत भी है। जसप्रीत की शहादत की खबर के बाद से उनके घर और गाँव में मातम का माहौल है। शहीद जसप्रीत का पार्थिव शरीर आज शाम गाँव पहुँचने की संभावना है। परिवार को अपने बेटे की शहादत पर दुख तो है, लेकिन साथ ही देश पर जान निछावर करने के लिए गर्व भी है। फोन आया सर, क्या बताया आपको फोन पर उन्होंने? वो कहने गोली लगी उसके से। किसने बताया आपको? उसके साहब ने बताया। अच्छा, क्या सिपाही थे वहाँ पे? हाँ जी। आपका बेटा शहीद हुआ है देश के लिए, तो आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? तो बहुत गर्व है ये उसके पास। तो शहीद हुए दो भारतीय जवानों में से एक पंजाब के मोगा के ही रहने वाले जसप्रीत भी है, जिनके पिता को आप सुन रहे थे। वो कह रहे थे कि उनको गर्व है। जसप्रीत की शहादत की खबर के बाद उसके गाँव में घर में मातम का माहौल जरूर है। शहीद जसप्रीत का पार्थिव शरीर आज शाम गांव पहुंचने की संभावना दिख रही है। परिवार को अपने बेटे की शहादत पर दुख तो है ही, लेकिन साथ ही देश पर जान नछावर करने के लिए गर्व भी है। तो पाकिस्तान की नापाक हरकतें लगातार जारी हैं, और उसी के बीच आपको बता दें, हमारे दो जवान जो शहीद हुए उनमें से एक पंजाब के मोगा के जसप्रीत भी है। मोहित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मोहित, जो पार्थिव शरीर है, कब तक पहुंचने की संभावना है गांव में? देखिए, जसप्रीत सिंह का पार्थिव शरीर दोपहर बाद आने की संभावना है, और इसके चलते स्थानीय प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ जसप्रीत सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा, और इसके लिए तमाम बंदोबस्त वहां पर शुरू कर दिए गए हैं। मोहित, वहां परिवार का क्या हाल है? गम होगा, साथ साथ गर्व भी होगा। जी बिल्कुल, देखिए, जसप्रीत सिंह एक काफी गरीब परिवार से संबंध रखता था। उसके पिता मजदूरी का काम करते हैं, उसका एक भाई भी मजदूरी का काम करता है, और जसप्रीत सिंह से पूरे परिवार को काफी उम्मीद थी। जसप्रीत भारतीय सेना में भर्ती हुआ था, और उसके बाद उसके दो छोटे भाई हैं, उनको भी उम्मीद जगी थी कि शायद वो भी भारतीय सेना में जाने में कामयाब रहेंगे। लेकिन शहादत से पूरे गांव में और घर में शोक का माहौल तो है, लेकिन गर्व है कि उनके बेटे ने जितनी बहादुरी दिखाई। लेकिन फिलहाल परिवार पूरी तरह से काफी ज्यादा शहादत पर काफी उनको गर्व तो है, लेकिन वो निराश भी है कि उनका बेटा, जिसने इतनी गरीब परिवार से निकलकर भारतीय सेना में अपनी जगह बनाई थी, वो इस तरह से शहीद हो गया। वही, जिस तरीके की ये खबर है, पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें लगातार जारी हैं, और हमारे जो जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं। शहीद जसप्रीत का जो पार्थिव शरीर है वो आज उनके घर पहुंचेगा। साथ साथ सबसे गरीब, ये बहुत गरीब परिवार के थे, और ऐसे में बहुत उम्मीद थी इनके माँ बाप को। दुख का माहौल, मातम का माहौल इस वक्त उनके गाँव में पसरा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित। में सेना के जवान बंदूक झुकाकर एक शहीद को श्रद्धांजलि देने लगे। ये शहीद नायक मुदस्सर अहमद थे, जो सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी का शिकार बने थे। गोलीबारी में अब तक दो जवान शहीद हुए हैं और दो जवान जख्मी हैं। और पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में शहीद हुए नायक मुदस्सर अहमद का शव अवंतीपुरा से जम्मू कैंट लाया गया। तिरंगे झंडे में लिपटे शव को सेना के मुख्यालय के हॉल में रखा गया, जहां फौज और सरकार के अधिकारियों ने शहीद के शव के सामने गुलदस्ता रखकर श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने वालों में डिप्टी सीएम निर्मल सिंह भी थे। इसके बाद सैनिकों ने बंदूकें झुकाकर मुदस्सर को श्रद्धांजलि दी। डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने एक बार फिर पाकिस्तान को चेतावनी दी। उसको सबक सिखाया जाएगा, सिखाया जा रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में पाकिस्तान को इस सारा का जो है भुगतान करना पड़ेगा। इससे पहले अवंतीपुरा में भी नायक मुदस्सर अहमद को सेना के अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हो रही गोलीबारी रुकी नहीं। पुंछ और राजौरी में पाकिस्तान ने भारतीय फौज की चौकियों और गांवों को निशाना बनाकर गोलियां और मोर्टार दागे, जिसके बाद पुंछ और राजौरी की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, बाहर गोलियों की आवाजें गूंज रही थी। पाकिस्तान की तरफ से हो रही गोलीबारी का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही थी। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में गोलीबारी हो रही थी, तो पुंछ के बालाकोट में पाकिस्तान लगातार गोलियां और मोर्टार बरसा रहा था।
दोनों जगहों पर पाकिस्तान पिछले चार दिन से लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, जिसमें अब तक दो जवान शहीद हुए हैं, दो जवान जख्मी हुए हैं और एक 8 साल की बच्ची की जान गई। सरहद पर हो रही भारी गोलीबारी की वजह से कई स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और सीमा पर बसे गांव के लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने का काम शुरू हो गया। लेकिन राजौरी के दो स्कूल खुले हुए थे, जिनमें भारी गोलीबारी होने की वजह से 52 बच्चे फंस गए। बाहर भारी गोलीबारी हो रही थी, मोर्टार दागे जा रहे थे और बच्चे स्कूल की चहारदीवारी में फंसे थे। उसमें कोई 60-70 बच्चे फंसे हुए हैं। हालांकि शाम होते होते फंसे हुए बच्चों को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल हो गई। सरहद पर बसे गांवों से करीब 850 परिवारों को महफूज ठिकानों पर ले जाया गया है। सेना के शिविरों में करीब 3,500 लोगों को ठहराया गया है। हालांकि भारतीय फौज की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में भी नुकसान की खबर है, लेकिन सीमा पर बढ़े तनाव की वजह से देश में सियासी हंगामा भी शुरू हो गया और कांग्रेस ने सरकार पर कश्मीर के हालात को ठीक से न संभाल पाने का आरोप लगा दिया। पाकिस्तान के द्वारा LOC का वायलेशन रोज रोज अनेक बार हो रहा है। हालांकि जानकारों की राय यह है कि पाकिस्तान कश्मीर में तनाव पैदा करने के लिए सोची समझी साजिश के तहत बम बरसा रहा है। आई थिंक अ सिग्निफिकेंट इंडिकेटर अबाउट द पैटर्न ऑफ पाकिस्तान ट्राइंग टू इंक्रीज द टेंशन। ये बातचीत हुई पाकिस्तान के DGMO के इनिशिएटिव पर। हिंदुस्तान ने साफ तौर पर कहा है कि हम दोस्ताना रिश्ते चाहते हैं। लगातार गोलीबारी की वजह से बने तनाव के बीच सबसे बड़ी चिंता सरहद के गांवों में रहने वाले लोगों की है, जो अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं।